पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गुरुवार को विकास नगर के आसन वेटलैंड पर पहुंचे और जहां पर वे वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर छात्रों सहित वन विभाग में रेंजर से पदोन्नति पाकर एसटीओ बने अधिकारियों को भी वन मंत्री ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही मंत्री उनियाल ने पक्षियों के दीदार किए। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा है कि इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, इसके लिए आम आदमी को फॉरेस्ट से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि जंगल तो सुरक्षित रहेंगे साथ ही लोगों की आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे। वन मंत्री ने कहा कि आसन बैराज वर्ल्ड वाचर के लिए पूरी दुनिया का केंद्र बना हुआ है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो डाइवर्सिटी है इसमें जिस जिस का सहयोग है इन सबका सर्वाइवल और कंजर्वेशन जरूरी है। उसी दृष्टि से पूरी दुनिया में जो रामसार समिट हुई उसमें हमारे इस डेस्टिनेशन को भी रिकग्निशन मिली 2020 में, और आज ये वर्ल्ड वॉचर्स के लिए पूरी दुनिया का एक केंद्र बना है हमारा ये आसन बैराज। इसमें मुख्य वेटलैंड के माध्यम से इनके सस्टेनेबिलिटी पे और इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है। बहुत मैंने विजिट थी यहाँ पे, जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर एक जो इन सर्विस ACFs हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था, और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है तो हमारे क्षेत्र का ये क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रामसार साइट है, तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं तो उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है।